गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है ट्वेंटी एथ 2023 आइए देखते हैं कि करेंसीज में कल क्या क्या एक्टिविटीज हुआ और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल यहां market. Market so, हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्केट करेंसी मार्केट में बंद था इवन इक्विटी मार्केट भी हॉलीडे था सो हमारे डॉलर रुपये में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज था नहीं लेकिन ग्लोबली मार्केट ओपन था तो उसके कारण आइए देखते हैं डॉलर इंडेक्स में कल जो क्लोज दिया है वो है आपका 105.20 ये नीचे की तरफ आपका 104.82 तक आया था डिप डाउन किया था फिर बाउंस बैक किया एंड करेंटली 105.13 यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है एंड उसके बाद फॉलो थ्रो नहीं मिलता है तब तक यहाँ पे इंडेक्स सॉफ्ट होने का कोई नामोनिशन नहीं दिखता है इट ट्राइंग उसको चैलेंज कर रहा है तो क्या आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे के तरफ आ जाएगा सॉफ्ट होना चालू करेगा ये हमें देखना जरूरी है लेकिन आज रात को एफ रेट डिसीशंस के बाद कुछ डायरेक्शंस शायद मिल सकता है डॉलर रुपी अभी है आपका 83.27 थ्री पॉइंट so टू सेवन सो यहाँ पे जो देखने वाला चीज है आपका जो रीजन जोन 82 80 ऑन द लोअर साइड एंड 83 20 ऑन द साइड उसके ऊपर जाके क्लोज दिया एंड सस्टेन कर रहा है सो so, यहाँ पे अभी हमारा जो इमीडिएट हाई है दैट इज 83.42 उसके एरिया पे क्या कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना पड़ेगा दैट बीइंग द केस द रोल ऑफ इनविजिबल हैंड्स आर वेरी क्रूशियल वो लोग कैसे इस लेवल को प्रोटेक्ट करते हैं डिफेंड करते हैं या अलाउ करते हैं फर्दर डेप्रिशिएट होने के लिए सो दिस पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिकल अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपका इक्विटी ट्रेडिंग एंड कॉमोडिटी ट्रेडिंग सो ये जो इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस एक एक्स्ट्रा इनग्रेडियंट है एस फार एज द डॉलर रुपी ट्रेडिंग इज कॉन्सर्ट

इंडिकेशंस नहीं आता है अभी एक हल्का सा जो इंडिकेशंस है आरएसआई डेली आरएसआई एट फोर्टी करेंटली एट फोर्टी वन पॉइंट टू सेवन क्या ये रेन शिफ्ट करता है ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली आफ्टर द एफ ओ रेट डिसीजंस अभी यूरो डॉलर जो अभी ट्रेड हो रहा है वो है आपका वन ये थोड़ा सा बाउंस बैक फ्रॉम द लो That means level hmm. से back किया है। लेकिन यहाँ पर भी बाइंग का कोई इंडिकेशंस नहीं है इंडिकेशंस तभी होगा जब इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज देगा फॉलो थ्रो करेगा एंड इन दिन यहाँ पर भी नीचे से लो लेवल से आपका 88.30 लेवल से अभी ये level पे है सो so, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है सो so, आने वाले दिनों में यानी आज हो कल हो या नेक्स्ट डे तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनता है इन द मीन टाइम ये जो ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस है उसके ऊपर जाके क्लोज देगा एंड देर आर पॉसिबिलिटीज कि ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो अभी भी इंडिकेशंस इंडिकेशन जरूरी है डॉलर ईएन वन फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन सेवन यहाँ पे एक काफी क्रुशियल लेवल से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है क्या बी ओजे इंटरव्यू करेंगे नहीं करेंगे ऑल दिस कंसिडरेशन मेक्स ईएन सो साइडवेज इस साइडवेज के बाद एक अच्छा खासा तगड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इंटरव्यू होता है तो लोअर साइड में अगर नहीं होता है हमें देखना है ये 150 एंड 151 हाउ बीओजे इज टेकिंग इट नहीं तो इस लेवल पे काफी स्टॉप लॉसेस है सो so, इस एरिया को इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो एक भयंकर ऊपर की तरफ अप मूव ड्यू टू स्टॉप लॉस ट्रिगर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आई ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है सब हल्का सा इंडिकेशन से के शिफ्ट कर रहा है लेकिन अभी भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिया है ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रांग क्लोज चाहिए एंड उसके बाद फॉलो थ्रो चाहिए एंड इन द मीन टाइम अगर हायर हाई लो फॉर्मेशंस हो जाते हैं तब एक ब्लॉक बिल्डअप का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है डॉलर कैंडी काफी सॉफ्ट हो चुका है हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसमें 15 सितंबर के लो वाज क्रूशियल इसके लो के नीचे फादर सेल ऑफ टुवर्ड्स आपका 1.34 का था एंड डॉटेड उस लेवल पे टच करके ऊपर गया है ये हो चुका है अभी व्हाट नेक्स्ट सो व्हाट नेक्स्ट में RSI एट 40.90 सो so, हमें यहाँ पे देखना क्या प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है या नेक्स्ट आने वाले दिनों फिर दोबारा दोबारा इस लो को तोड़ के नीचे के तरफ जाते हैं टूअर्ड्स 1.32 वो हमें देखना पड़ेगा सो so, यहाँ पे काफी एक डाउन मूव आया है अभी लॉन्ग के लिए कॉन्फर्मेशन चाहिए शॉर्ट के लिए सेल सेलेप्टिक्स में भी कॉन्सिडर ऑसी डॉलर ऑसी डॉलर अच्छा खासा इस बॉक्स के अंदर में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है कॉन्सलट्रेशन होने देते हैं उसके बाद जो डायरेक्शन पे ये ब्रेकआउट करेगा उसी डायरेक्शन में ये एक अच्छा खासा ट्रेंड मूव हो सकता है अगर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करता है तो एक हो सकते है। इसको अभी ब्रेक आउट कर देता है then in such a case, और फर्दर अब मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सी एन एच सी एन एच में फिर दोबारा ऊपर की तरफ बिल्डअप हो रहा है ये देखने वाला बात है

एक अच्छा खासा अपमूव मारा था अपमूव पॉइंट हाई जो मारा था वो आपका था नाइनटी फोर पॉइंट और उसके बाद ये जो कैंडल बनाया हुआ है थोड़ा सा इन्वर्टेड पिन बार कैंडल इन्वर्टेड पिन बार तो इसके लो के नीचे थोड़ा सा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीकनेसेस आर मोस्ट वेलकम फॉर ए ट्रेंडेड मूव

ये जो कैलकुलेशन है निगेट हो जाएगा अगर आने वाले दिनों में पिन के हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू कर दे एंड यूएस टेन ईयर ट्रेजरी आपका 4.365 ये एकदम रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है आज एफएमसी ओ एम से उसके बाद ये और क्या कर, करता है ये हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से ये काफी ऊपर जाने के लिए बिल्डअप कर रहे हैं एंड नेगेटिव सिनेरियोस कुछ दिख नहीं रहे एक्सक्लूसिवली प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंड आपका टू ईयर ट्रेजरी ये भी आपका जो हाई है उसके ऊपर ही सस्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं 5.094 सो so, यहां पर भी एफएमसी रेट डिसीशंस के बाद क्या इस यहां से फिर दोबारा प्राइस रिजेक्शन हो जाते हैं या ऊपर की तरफ एक नया टेरिटरी बनाने का प्रयास करता है ये हमें मार्केट से देखना पड़ेगा क्या मार्केट बोलना चाहते हैं सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल्स आल्सो दोज हु हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब थैंक यू एंड बाय बाय